आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने जीरो के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास फंक्शन है, इसका अपने पास लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से आगे अपने ई की पावर में 2 mod sin x और ये किस बराबर दे रखा है, तो -2 mod अपने क्या दे रखा है साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास क्या फंक्शन है। अब हमारे पास क्या करना है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अगर आप गौर से देखते हो तो ऊपर यहाँ पे भी साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स, हम क्या करते हैं ई की पावर में एक्स और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास बराबर एक्स के बराबर, इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो साइन स्क्वायर एक्स से, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर एक्स से, हाँ या ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, यहां से अपने कैसे बताइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने कैसे क्या देंगे 0 ई की पावर में आगे अपने कैसे 2 mod sin x के बराबर, हाँ या ना, ये आगे अपने किस बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है, तो 2 mod sin x के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से किस आ जाएंगे 1 के बराबर, होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आगे अपने के पास इस साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर लिखते हैं और इसको मॉड अपने कैसे क्या लिखते थे, साइन एक्स का अपने के पास क्या लिखते हैं, तो होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय अपने मॉड एक्स का लिखिए, या मॉड एक्स लिखिए, या मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, यानी तो अपने के पास मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, ये तीनों चीज अपने के पास क्या है, बराबर है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये तीनों चीज जब बराबर है तो अपने के पास बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने के बराबर साइन स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज, अगर आप गौर से देखें तो इसका वैल्यू जो होता है वो अपने के पास बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये पूरा जो होता है वो 1 के बराबर, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम यहाँ पर अपने के पास क्या करते हैं कि मॉड साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्योंकि मॉड साइन एक्स बहुत बार आ रहा है, यहाँ से मॉड साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, मॉड साइन एक्स को एम मान लीजिए, जैसे अपने के पास एम मानेंगे तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो लिमिट एम का अब अपने के पास लिमिट आएगा, तो एम टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2m और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया किस बराबर, एम स्क्वायर के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय ये तो अपने पास 1 के बराबर हो गया, तो कोई इतराज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखते तो m की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो आगे ई की पावर में 0 और ये आगे अपने पास 0, तो ये आगे 0 के बराबर, ये 1 - 1 0/0 फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल एच मतलब एल हॉस्पिटल रूल, जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये किस तरह जाएंगे 2 × e^2m, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, और माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में अपने किस तरह जाएंगे 2m के बराबर, और लिमिट अपने के पास क्या है, तो लिमिट m टेंडिंग टू अपने के पास क्या है 0 के बराबर, हाँ या ना, तो लिमिट m टेंडिंग टू क्या है 0 के बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास जगह ही नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह जाएंगे, लिमिट m टेंडिंग टू अपने पास किस तरह 0 के बराबर, 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो e की पावर में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यानी तो 2 कॉमन लेकर के अपने पास कैंसिल आउट नहीं कीजिए, इसमें अपने पास यहीं रह दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर होगा वही अपने पास नीचे होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये पूरा जो वैल्यू रहता है ना m टेंडिंग टू 0 पे, ये 1 के बराबर होता है, यानी ये जो पूरा वैल्यू हुआ अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यानी अपने पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे 2 के बराबर। तो इसका जो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया जाता है, बस अपने पास थोड़ी सी सोचने की बात है और कुछ नहीं। हम यहाँ पर एम टेंडिंग टू 0 इसलिए लेंगे क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 अगर हम डालेंगे तो एम टेंडिंग टू 0 ही होगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सैटरडे में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।